हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा वारियो 160 के लेटेस्ट लॉन्च अपडेट्स के बारे में, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसका पेटेंट फाइल हो चुका है और यह स्कूटर आपको जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और वैसे भी आप में से काफी सारे लोग हैं जो होंडा वारियो 160 के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वारियो 160 पहला मैक्सी स्कूटर होगा होंडा की तरफ से। तो इसीलिए इसकी लॉन्च डेट क्या होने वाली है, फीचर्स क्या मिलेंगे आपको स्कूटर में, और लॉन्च होने पर इसका क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन मार्केट में, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 200 लाइक्स का, होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं होंडा वारियो 160 के बारे में। तो दोस्तों, होंडा वारियो 160 में आपको मिलेगा 160 सीसी का सिंगल स्टैंडर्ड लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 15 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 13.9 न्यूटन मीटर का। इस पावर के साथ ये स्कूटर 115 से 120 किलोमीटर प्रति की टॉप स्पीड तक जा पाएगा। और बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों ही मॉडल देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में इसके सिंगल चैनल ABS वाले वर्जन को ही लॉन्च करा जाएगा। बाकी फीचर्स में इसमें होंडा स्मार्ट की फंक्शन है, फुल्ली डिजिटल कंसोल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो होंगे होंडा वारियो से रिलेटेड। और सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक है, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है। और टायर साइज में इसका फ्रंट पार्ट का टायर है 100x80mm का और रियर पार्ट का टायर है 120x70mm का, जो कि दोस्तों थोड़ा सा कम वाइड है कंपेयर में यामाहा एरोक्स में। एरोक्स में आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, लेकिन होंडा वारियो में सिर्फ 120 सेक्शन का है। बाकी लाइटनिंग आपको ऑल LED मिलेगी होंडा की तरफ से सभी पार्ट्स में। और डायमेंशन में इसका कर्व हाइट है 115 kg का, 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और इसकी सीट हाइट है 780 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको स्कूटर को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसमें आपको 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और ये स्कूटर आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी दोस्तों, इसको कंपेयर करें यामाहा एरोक्स से, तो दोनों ही स्कूटर में आपको सेम पावर देखने को मिलेगी 15 bhp की। बाकी जो परफॉर्मेंस है ना स्कूटर में, वो आपको होंडा वारियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि होंडा वारियो 10 kg लाइट वेट है यामाहा एरोक्स से। और बात रही माइलेज की, तो माइलेज आपको बेशक यामाहा एरोक्स में ज्यादा मिलेगा, वारियो में आपको मैक्सिमम 40 kmpl का माइलेज मिलेगा, लेकिन आपको यामाहा एरोक्स में 45 से 50 kmpl का माइलेज देखने को मिल सकता है। बाकी जो दोस्तों स्टोरेज है, वो दोनों ही स्कूटर में काफी ज्यादा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होंडा वारियो यामाहा एरोक्स से बेटर है, ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं होंडा वारियो के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये स्कूटर दोस्तों आपको सितंबर से अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रखा जाएगा 130,000 से 135,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो होंडा वारियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो होंडा वारियो के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको परचेज करने वाले हैं।